हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। महबूब भाई आपका काम कर रहा हूं, ये आपसे कहा गया था कि ये जो मेरा वो क्या है, मेरे कानों का जो झुमका है, जो 1.5 लाख का 2 लाख का बताया चांदनी ने, मैं आपकी तरफ से कर रहा हूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। हजरात गिरामी, ये जो तंजिया और मजाया शायरी है, इसमें हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका मिलता है, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि अगर हम एक लम्हे के लिए मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जिंदा रहना है तो जिंदा दिली से हालात का सामना करना, और इसके लिए एक तंजिया और मजाहिया शायर को बुला रहा हूं, जो आसान आसान लफ्जों में आपके सामने अपनी तंजिया और मजाहिया शायरी का ऐसा माहौल बनाए कि महफिल में कह कहे बिखर जाए। इसके लिए देवबंद सहारनपुर से आने वाले मेहमान शायर जनाब जहाज देवबंदी को बुलाना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों से जहाजों ने बहुत परेशान किया हुआ है, 3-3 फ्लाइटें तो मेरी और महशर भाई की कैंसिल हुई है, कैसे कैसे जूझते यहां पहुंचे हैं, लेकिन एक जहाज हमारे पास ऐसा है, मौसम कितना ही खराब हो, विजिबिलिटी कितनी ही कम हो, वहां रनवे हो या ना हो, लेकिन हर छोटे बड़े शहर में ये जहाज लैंड कर जाता है। आइए इस्तकबाल करें देवबंद से आने वाले इस खूबसूरत जहाज का, जिसको जहाज देवबंदी के नाम से जाना जाता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, मैं उन्हें बुला रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सोने के फासले सब के सब मिटा डालूं। अच्छा, वाह। फासले सब के सब मिटा डालूं, सब के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं। वाह 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 वाह, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं और लेके उड़ जाऊं इन हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। वाह 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 वाह, जहाज इसके बाद हाँ जहाज इसकी वॉल्यूम बढ़ा दो, मेरी कम है। फासले सब का सब मिटा डालूं, वाह, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं, क्या कहना, और लेकर उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। 4 मिसरे सुने कि राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। वाह, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं, और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को। अच्छा, छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। भाई बहुत अच्छा जहाज, वाह वाह वाह, छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, क्या कहना, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं, वो छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। वाह 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 वाह, एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन,
मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया। वाह वाह वाह, हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर। ये पता चलता नहीं, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। वाह मैसर भाई, ये मान भी जाओ खुदारा। अच्छा, तुम समझती क्यों नहीं? ओहो, मान भी जाओ खुदारा, मान भी जाओ खुदारा, तुम समझती क्यों नहीं? आ गई सर्दी दोबारा, तुम सो वाह 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 जहाज बहुत अच्छा है यार, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ये मान भी, कैमरा मैन फोकस करो, मान भी जाओ खुदारा, तुम समझती क्यों नहीं? आ गई सर्दी दोबारा, तुम समझती क्यों नहीं? और जिसको इतना चाहती हो उसके बच्चे 5 हैं। अच्छा, जिसको इतना चाहती हो, चाहती हो उसके बच्चे 5 हैं। मैं अभी तक हूं कुंवारा, तुम समझती क्यों नहीं? वाह 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 वाह, कुंवारा बहुत अच्छा। मैं अभी तक हूं कुंवारा, तुम समझती क्यों नहीं? और ये 4 में से सुन ले बिल्कुल ताजा, कि आओ कर ले कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल। वाह आओ कर ले कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। वाह, आओ कर ले कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। और सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब, एकदम जुम्मन ने बोला और बाजी ठीक हो। देखो, आप सुरैया को जानते हो या न जानते हो, मैं जुम्मन से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। आओ कर ले कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल, वाह, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। वाह, सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब, एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। तमन्ना का प्याला भरा 50-50, ओहो, तमन्ना का प्याला भरा 50-50, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। वाह, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50, और सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से। ओहो, सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। और दोस्तों ये 4 मिसरे सुने के, मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। अच्छा, मैं बच बचा के, मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया, चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। क्या कहना, और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। वाह वाह, पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। और मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती, मोहब्बत की, मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती। और पुलिस वालों में मुझ में फासला बस 2 कदम का था, पुलिस वालों में मुझ में फासला बस 2 कदम का था, अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद आ जाती। वाह 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 वाह, अगर मैं हाथ आ जाता। अच्छा, बिस्वा के लोग मुझे बताएं, क्या जहाज देवबंदी आपको अच्छी तंजिया और मजाहिया शायरी सुना रहे हैं?
तो जरा सा खुल के सुनिए, आप लोग भी जरा तालियों की गूंज में जहाज देवबंदी का इस्तकबाल कीजिए। और जितने लोग आगे बैठे हैं, ये आप सब जितने लोग बैठे हैं मुशायरे कमेटी के भी हैं और तमाम मुअज्जिज़ीन हैं, मैं आपसे एक बात गुजारिश करता हूं, आप जो लोग कुर्सियों पे और सोफों पे बैठे हैं, आप शहर के बड़े लोग होंगे, जाहिर है कि आपने काम करने के लिए घर पे नौकर रख रखे होंगे, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि मुशायरे में बैठे हैं तो मुशायरे का पूरा मजा लीजिए, खुल के तालियां बजाइए, खुल के शायर को दाद दीजिए, ताकि मुशायरे का माहौल भी बना रहे और आप भी पूरी तरह से मुशायरे में शरीक रहे। हमारे मुअज्जिज़ीन के लिए तालियां बजाइए। और मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि शरीक हो शायर के साथ। अच्छा 50-50? हाँ 50-50। सुरैया का अब्बा मरा 50-50। हाँ वही है ये। देखिए साहब, मुझे फिर सुरैया याद आ गई। सुरैया मेरी फेवरेट डिश है। सुने के शेख मुझको तो कभी खान कहा करते थे। वाह। शेख मुझको तो कभी खान कहा करते थे, कैटरीना को मेरी जान कहा करते थे। आहा। कैटरीना को मेरी जान कहा करते थे, और मेरा हुलिया तो सुरैया ने बिगाड़ा है जनाब, लोग वरना मुझे सलमान कहा करते थे। वाह 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 वाह। लोग वरना मुझे सलमान कहा करते थे। आपने डबल लोल की फिल्में देखी होंगी, मैंने कहां से शेर बनाया कि आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं। अच्छा वाह वाह वाह। आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। वाह 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 वाह। और इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। वाह 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 वाह। लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। ये बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। और जो कहें साले वही मंजूर होना चाहिए, जो कहें साले वही मंजूर होना चाहिए, सास के आगे जरा मजबूर होना चाहिए। और मार कर बेलन मेरे सर पे ये बेगम ने कहा, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं। वाह। मुझे सब महबूब भाई की तारीफ कर रहे हैं तो मुझे कुछ याद आ गया। अच्छा। मैंने साहब, मैं एक पीर साहब के पास गया, मैंने कहा कोई ऐसा तावीज़ दे दो कि महबूब मेरे कदमों में आके गिर जाए। बोले बस 3 दिन में महबूब तुम्हारे कदमों में होगा। अब साहब वो मैंने किया और 3rd दिन उसका असर मेरे सामने आ गया। एक साहब बड़े गिड़गिड़ाते हुए मेरे कदमों में आ के गिरे, बोले साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ मदद करो। मैंने कहा भाई उठो, क्या बात है? कहने मेरा नाम महबूब है। कहने मेरा नाम महबूब। खैर बहरहाल, आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। एक तज़मीन समाप्त करें, सुने तज़मीन सुने जी, मैं पढ़ता हूं। सुने के लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूं। लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूं, चक्कर में कहीं पेट के इज्जत ना चली जाए। वाह 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 वाह। चक्कर में कहीं पेट के इज्जत न चली जाए। और ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अच्छा दोबारा पढ़ू, कि लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूं, चक्कर में कहीं पेट के इज्जत न चली जाए। और ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। एक तस्वीर और समाप्त कर लें। इरशाद, ये मैंने चिट्ठी लिखी है अपनी महबूबा को। अच्छा अच्छा, अच्छा। सुने के हुई न शादी मेरी किसी से अगर दोबारा,
तो मैं तुम्हारा। वाह 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 वाह, हुई ना शादी मेरी किसी से अगर दोबारा, तो मैं तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा, अगर न चमका मेरे मुकद्दर का फिर सितारा, तो मैं तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। वाह, और बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं। अच्छा, जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा, तो मैं तुम्हारा। चार मिसरे सुन ले आखिर में, कि लगता है कि आ जाऊंगा मैं दस्ते अजल में, नज़मों में मजा है ना कोई लुत्फ़ गज़ल में, और किस तरह करूं तुझसे मैं इजहार मोहब्बत। वाह वाह, तेरे डंडा लिए फिरते हैं बगल में। वाह 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 वाह,